Hello, good afternoon. Good afternoon, you all. A very, very warm welcome. Welcome to IPS. Sahil, good afternoon. आज एवरेज होगा. हाँ जी, आज हम एवरेज पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से जुड़ जाए हमारे साथ. तो CUT की प्रिपरेशन जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक न्यूज़ बताना चाह रहा हूँ. बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि CUT PG पार्ट ए के लिए हम यहाँ पे एक नया बैच, फ्रेश बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो कि मंडे से यानी कि 20th of February से होने वाला है. तो आप अगर अभी तक इनरोल नहीं हुए हो और आप चाहते हो कि पार्ट ए का प्रिपरेशन लेना, प्रिपरेशन करिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस प्लान को चूज़ कर सकते हो. जैसे कि आप यहाँ पे देख पाए, यहाँ पे 1 month, 3 month और 6 month के आपको प्लान मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको फ्लैट 30% का भी ऑफ मिल जाएगा अगर आप पार्ट ए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं. ये सारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि CUT PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट ए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ना केवल CUT के लिए, आपका CSIR नेट के लिए, एज वेल एज आपके जितने भी आप एग्ज़ाम देते हो, यानी कि गेट हो गया, नेट हो गया, CUT हो गया, सब में आपका जो पार्ट ए है, यानी कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये जो पार्ट है, ये सब जगह कॉमन रहता है. ठीक है. ओके, चलिए तो आते हैं आज के टॉपिक पे. हम ऑलरेडी यहाँ पे चार टॉपिक कवर कर चुके हैं. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा. ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट आप समझते रहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे, फिर कल को आप कोई भी क्वेश्चन उठा के आप कर सकते हो इजीली. अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, केवल क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हो कि क्वेश्चन हो जा रहा है, तो बिलीव मी, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ सकते हो इन फ्यूचर, अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड पूछ लेगा एग्जाम. ठीक है. बाकी मैं साथ ही साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी बताता हूँ कि किस ट्रिक्स से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो. ऑप्शनल मेथड भी बताते हैं कि ऑप्शन से सोचिए, ऑप्शन को देख के भी हम बहुत से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन का नहीं. इसीलिए बेसिक ज़रूरी. ठीक है, आना हमको सब कुछ चाहिए, यानी कि हमको ऑप्शनल मेथड भी आना चाहिए, बेसिक मेथड भी आना चाहिए, हमको ट्रिक्स भी आने चाहिए. तो कैसे होगा वो प्रैक्टिस के साथ पता लगेगा, किस क्वेश्चन में हम ट्रिक लगा सकते हैं, किस क्वेश्चन में ऑप्शनल मेथड से आंसर पता कर सकते हैं. राइट, ये सारी अप्रोचेस हमें टाइम के साथ पता लगते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है. चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, एवरेज. तो आप सभी ने एवरेज का नाम तो ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं. तो एवरेज से दिमाग में क्या आता है, जैसे हम कभी कहते हैं ना, उसकी एवरेज हाइट तो इतनी है. एवरेज हाइट का मतलब क्या है? एवरेज हाइट का मतलब लगभग, यानी कि मीन जो उसका जो है, यानी कि जो मिड वैल्यू है. सबसे पहली बात है, एवरेज को सुन के आपके दिमाग में आता है एक टर्म, मीन. क्या आता है? मीन यानी कि मिड वैल्यू. मिड वैल्यू, ठीक है, यानी कि मिड वैल्यू. जैसे कि कुछ नंबर ऑफ पर्सन है, राइट, कुछ नंबर ऑफ पर्सन है, यहाँ पे 5 लोग हैं एक फैमिली के अंदर, सबकी अलग अलग हाइट. एक की हाइट है 150 सेंटीमीटर, एक की है 160 सेंटीमीटर, एक की है 170, 180 एंड 180, राइट. तब ये बोला जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली, फैमिली की एवरेज हाइट बताइए. यानी कि एक ऐसी बताइए लाइन, यानी कि एक ऐसी हाइट बताइए जो कि मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट के कहीं बीच में जाके लाई करती है, दैट इज कॉल्ड एवरेज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँगा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, वट विल बी द एवरेज, वट विल बी द एवरेज, बताइए एवरेज क्या हो. यानी कि 3 नंबर है मेरे पास, इनका मुझे एवरेज निकालना है, यानी कि इनकी मिड वैल्यू निकालना है. तो सिंपली मैं क्या करूँगा, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. एवरेज इज डिफाइंड एज द मीन वैल्यू. एवरेज क्या है? बेसिकली मीन वैल्यू है, which is equal to the ratio of the sum of the data to the total number of values present in the set. यानि कि it is the sum of the total observation, यानि कि sum of the total data of the observation divided by the total number of observation. Simple सी बात है. क्या देखो, average की अगर मैं बात यहाँ पे लिखूँ, average is basically, sum of ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस उनका सम, डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको तीन ऑब्जर्वेशन दिख रही है, यानी कि 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द एवरेज, इसका क्या एवरेज होगा, व्हाट विल बी द एवरेज, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 3, कितने हैं 3, यानी कि दिस विल बी 60 अपॉन 3, तो द एवरेज विल बी 20। बात समझ में आ गई, तो ये होता है एवरेज जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, ठीक है। वैसे अगर इन पांच लोगों की मुझे एवरेज हाइट निकालनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पांचों की हाइट को ऐड करना पड़ेगा और मुझे फाइव से डिवाइड करना पड़ेगा, तो द एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली विल बी 150 प्लस 160 प्लस 170 प्लस 180 प्लस 180, यानी कि ये तो हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा हमारा 480, ठीक। तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 840 अपॉन 5, तो द एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली विल बी 168 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज द एवरेज, बात समझ में आ गई, व्हाट इज एवरेज, यानी कि दिस इज द मिड वैल्यू, कहाँ की मिड वैल्यू, एक्सट्रीम पॉइंट से और सबसे लोएस्ट पॉइंट के बीच की जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मीन, ठीक है। बाकी आपने मीडियन, मॉड के बारे में भी सुना होगा, मीडियन और मॉड के बारे में भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में कभी, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं एवरेज। इसको देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3, 9, 11, 15, 18 एंड 19 एंड 23, वही चीज है, आपको सबों को करना है यहाँ पे प्लस, जस्ट एड ऑल दीज नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 7, तो ये आ जाएगा आपका 98, ये आ जाएगा 7, यानी कि 14 विल बी द एवरेज, क्लियर। आगे चल के मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि फॉर्मूले का यूज करे बिना कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, तो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जो फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला बेसिकली हम तभी अप्लाई करेंगे जब जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इतना सा ही है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो इसी के बीच वैसे एक एवरेज स्पीड भी चीज़ है, उसको भी मैं बता दूंगा बीच में, ठीक है। एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, वैसे कल स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही क्लास है, तो वहाँ पे एवरेज स्पीड को हम कवर करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ें और थोड़ा सा इसके बारे में सोचें। ऐसा सवाल अगर आता है आपका तो आप इसको कैसे करें, क्या पूछ रहा क्वेश्चन, मैं आपको दे देता हूं ऑप्शन चार, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मैं यहां पे ऑप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जरा मुझको इसका राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ना आंसर मार्क करिए जरा। एंड देन टेल मी, और सेशन को बराबर लाइक भी करिए अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स में जिससे कि वो भी यहाँ पे जुड़ सकें और इस क्लास का थोड़ा फायदा उठा सकें। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहे वरुण परचेज 5 पेन एट द रेट ऑफ रुपीज 200 ईच, यानी कि वरुण ने 5 पेन खरीदे
₹200 के, ठीक है, ₹200 के यहाँ पे पांच उसने पेन खरीद लिए, ठीक है जी। सिक्स पेन एट द रेट ऑफ ₹250 ईच, यानी कि पांच पेन खरीद रहा है ₹200 के और छह पेन खरीद रहा है ₹250 के। साथ में क्या लिखा है, ईच भी लिखा है, यानी कि हर एक पेन की जो कीमत है वो ₹200 है यहाँ पे और यहाँ पे ₹250। एंड नाइन पेन एट द रेट ऑफ ₹300 ईच, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की एवरेज कॉस्ट हमको बतानी। तो देखें, अगर पांच पेन हैं, हर पेन की कीमत ₹200 है, तो लेट से तीन तरह के पेन हैं, P1 टाइप का पेन, P2 टाइप का पेन और P3 टाइप का, राइट। ये जो P1 टाइप के पेन है वो पांच हैं और हर एक पेन ₹200 का है और इनका जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा दैट विल बी 1000, ठीक है। छह पेन है P2 टाइप के, हर एक पेन ₹250 का है यानी कि ₹250 का है, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 1500। और नाइन पेन हैं जो कि ₹300 के हैं, तो पूछा गया है कि इनका एवरेज कॉस्ट कितना है, तो ये हो जाएगा 2700, यानी कि इनकी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी दैट विल बी 5200। द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज पेन्स आर 5200, ये बात समझ में आती है, 5200। और नंबर ऑफ पेन्स बताइए, नंबर ऑफ पेन कितने हैं जी, नंबर ऑफ पेन कितने हैं यहाँ पे, 5 + 6 + 9, यानी कि दिस विल बी 15 and 520। तो 20 पेन हैं जिनकी टोटल कीमत है 5200, एंड वी हैव टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ वन पेन, एवरेज कॉस्ट ऑफ वन पेन, तो दैट विल बी द टोटल वैल्यू, दैट विल बी द टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स, दैट विल बी इक्वल टू 260 रुपीज, ठीक है, ₹260 का एक पेन हो जाएगा, दिस विल बी द एवरेज। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे, पहले आप टोटल कॉस्ट निकाल लोगे हर एक टाइप का, और टोटल कॉस्ट निकालने के बाद नंबर ऑफ पेन से उसको डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज जो वैल्यू है एक पेन का वर्थ, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, तो पढ़े जरा और थोड़ा सा समझे, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, और मैं आपको स्क्रीन पे देता हूँ। चलिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जरा मार्क करिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो CUT पार्ट ए की अगर बात करी जाए, मैथमेटिक्स और पॉइंट्स की और रीजनिंग की, तो एज़ कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, यानी कि अगर मैं कंपेयर करूँ गेट से या मैं कंपेयर करता हूँ सीएसए नेट से, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ईजी आता है, जो पेपर होता है आपका थोड़ा ईजी आता है, ठीक है। तो आप अगर वो करने में कैपेबल हो तो ये तो आप कर ही लोगे, ये मान के चलो, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपरेशन अच्छे तरह से कर लो। तो मार्क योर आंसर फर्स्ट। देखें क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास इज 58 kg, ठीक है जी। वेर इज द एवरेज वेट ऑफ 26 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी ऑफ द सेम क्लास इज 60.5, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, कह रहा है 24 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में सेक्शन ए में जिनका एवरेज 58 है, तो बस ये काम का डेटा है हमारा।
उसके बाद कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 26 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी, एक सेक्शन बी है उसमें 26 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट है 60.5, देन वी हैव टू फाइंड द ओवरऑल एवरेज वेट, वी हैव टू फाइंड द ओवरऑल यानी कि टोटल एवरेज वेट. सो द एवरेज वेट एवरेज वेट विल बी, देखें अगर 24 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज 54 है तो टोटल वेट क्या हो जाएगा सेक्शन ए का, सेक्शन ए का टोटल वेट क्या हो जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय देयर एवरेज. आपको पता है एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल वैल्यू यानी कि टोटल यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, लिख दूंगा यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है फॉर्मूला. तो यहाँ पे मैंने क्या करा, टोटल वेट निकालना है, तो टोटल वेट निकालना है तो मैं क्या करूँगा एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि जो एवरेज दे रखा 58 तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बी द टोटल वेट ऑफ सेक्शन ए, ये सेक्शन ए की बात कर. प्लस सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स है 26, यहाँ पे 60.5, यहाँ पे जो एवरेज है दैट इज 60.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 24 ये और 26 ये यानी कि 50 स्टूडेंट्स का यहाँ पे एवरेज वेट पूछता है, तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो और मुझको बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, अगर कुछ और कैलकुलेशन लग सकती है तो आप कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ और यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करिए. कैसे करें, 24 से चुराइए 2 को, 24 से अगर मैंने 2 को चुराया और 58 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 116. अब 116 का मल्टीप्लाई 12 से करना आसान है, क्योंकि 24 का मतलब क्या 12 × 2, 2 की मल्टीप्लाई करिए 58 से, कैलकुलेशन भी अच्छे से करना है आराम से करना, ठीक है. तो दिस विल बी इसको कैसे करें सर, एक काम करो 26 को 13 × 2 में ब्रेक करिए और 2 की मल्टीप्लाई 60.5 से करिए, तो दिस विल बी 121 और अब मल्टीप्लाई करिए 13 यानी कि 157. कैलकुलेशन तो ऐसे होनी चाहिए, ब्रेक करके अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आसानी से आप कर पाओगे. दिस विल बी 5 and this will be 2965, कितना हो जाएगा ये 59.3 kg यानी कि ऑप्शन नंबर, ठीक है. तो एक बार इसको देखिए और बताइए इज इट क्रिस्टल क्लियर ऑल ऑफ यू. चलिए तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पहले इसको एक बार देखिए. क्रिस्टल क्लियर साहिल, ओके गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करें. टेक योर टाइम, ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे कुछ अलग पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ अलग पूछ रहा है. 13 लोग हैं और 2 नए लोगों की यहाँ पे चर्चा हो रही है, 2 नए लोगों की यहाँ पे बात हो रही है. तो टेक योर टाइम एंड आंसर योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. तो पोल्स भी आपके सामने हैं, can also fold.
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन उससे भी जबरदस्त होगा हमारा तरीका कि उसको कैसे करें। हमारा जो तरीका होगा वो जबरदस्त होगा इस क्वेश्चन को करने का। अब सारा ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, सुनिए। कह रहा है वेट इन केजी ऑफ 13% आर, ये हमको कुछ वेट्स दे रखे हैं, 13 लोगों के कुछ हमको वेट दे रखे हैं, 70 से लेके 94। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, तो देखिए 70, 72, 74, 76, 78, यानी कि ये दो दो के गैप में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, यानी कि एपी बना रहे हैं। एपी का नाम आपने जरूर सुना होगा अपने पहली क्लासेज में, क्लास 10th या 11th में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम होता है थ्रू आउट द सीरीज। तो अगर ऐसा आपको कभी नंबर मिल जाए जिसका आपको एवरेज निकालना है, जो कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, हमेशा सेंटर मोस्ट वैल्यू होगी वही उसका एवरेज हो जाएगा। यहाँ पे 13 टर्म्स है, तो 13 टर्म का जो मिडिल वैल्यू होगा दैट विल बी 7th टर्म। सातवां जो टर्म है वो मिडिल वैल्यू होगा कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो द एवरेज ऑफ दिस डेटा विल बी 82। तो यहाँ पे आपको सबको प्लस करके डिवाइडेड बाई 13 नहीं करना है, तो इस बात का ध्यान देना है। अगर इस डेटा का आपको पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज, देन एवरेज विल बी 82। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इसका एवरेज बताइए सर, एवरेज विल बी 3, जो मिडिल वैल्यू होगी दैट विल बी 3। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज होता है ना, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो एवरेज होता है वो मिडिल वैल्यू होता है, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए इसका मीन है 82। अब कह रहा है टू न्यू पर्सन हैविंग वेट 100 केजी एंड 79 केजी जॉइन द ग्रुप। इस ग्रुप में दो लोग एंटर कर जाते हैं जिसका वेट 100 किलो है और जिसका वेट 79 केजी। कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इंक्रीज बाय, यानी कि जो एवरेज वेट है ग्रुप का कितने से इंक्रीज कर जाएगा। देखो एवरेज वेट अभी कितना है, अभी तो 82 है एवरेज, 13 लोगों का जो एवरेज है दैट इज 82। अब इस 13 लोगों में दो लोग और आ जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गया, 15। अब इन 15 लोगों का एवरेज जो है कितने ज्यादा, कितने से ज्यादा ये पूछ रहा है। तो देखो मैं एक तरीका लगाता हूँ कैसे। देखो 100% यानी कि 100 kg वाला पर्सन जैसे ही इस ग्रुप में एंटर करता है, हमको तो पता है इनका जो एवरेज या मीन है वो 82 है। मैं कहता हूँ 100 वाले से आ जाइए, कहता है ठीक है आ रहा हूँ। तो कहता हूँ मैं आपका जो वेट है वो हमारा जो एवरेज वेट है 13 लोगों का उससे 18 ज़्यादा है, 18 केजी ज़्यादा है, क्योंकि इन लोगों का जो एवरेज है वो 82 है। 100 वाला पर्सन जैसे ही एंटर करता है तो इसका जो वेट है, इसका जो वेट है एवरेज वेट से 18 किलो ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ अपना 18 किलो साइड में रखिए, अपना 18 kg वेट साइड में रखिए और यहाँ पे आ जाइए 82 के साथ। तो ये भी इस 82 में आके मिल गया, तो एवरेज वेट मेंटेन रहा, 82 ही रहा, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए अब यहाँ पे 14। अब 79 वाले को बुलाता हूँ मैं, कहता हूँ आइए, मैं कहता हूँ आपका जो वेट है एवरेज वेट से 3 किलो कम है। तो कहता है मैं 3 किलो बाद में दे जाऊँगा, उसको साइड में आप लिख लो एक बुक में उधार, बाकी मुझे अपने में शामिल कर लो। तो कहता है ठीक है, मेरा वेट भी 82 kg हो जाएगा। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा वेट था पहले वाले पर्सन का और इसका जो उधार वाला वेट था, तो दोनों को अगर हमने इक्वेट किया 18 - 3 यानी कि 15 किलो, एक तरह से 15 किलो वेट ओवरऑल एक्स्ट्रा है हमारे पास। इस 15 किलो वेट को मुझे 15 लोगों में इक्वली बांटना है, इस 15 किलो वेट को मुझे 15 लोगों में इक्वली बांटना है, इसी को तो एवरेज बोला जाता है। तो अगर 15 kg वेट है 15 लोगों में मुझे इक्वल बांटना है, तो सबके हिस्से में कितना वेट आएगा, 1 किलो। तो जो टोटल एवरेज है इसमें कितने की बढ़ोतरी होगी, 1 किलो की होगी।
कि नया एवरेज हो जाएगा 83 kg, लेकिन हमसे नया एवरेज नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कितना वेट इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियसली 1 kg वेट इंक्रीज हुआ है। बात समझ में आ रही है? अगर इस ढंग से करोगे क्वेश्चन को, इस तरह से समझ के करोगे क्वेश्चन को, तो कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं पड़ेगी। क्रिस्टल क्लियर हुई बात? इसी क्वेश्चन को अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, आप यहाँ पे मीन निकालोगे। जैसे ही मीन निकालने आप बैठ गए तो आपको वहाँ पे हो जाएगी दिक्कत, वहाँ पे आपको हो जाएगी फिर दिक्कत। फिर उसके बाद 100 और 79 kg वाले को भी उसमें रखोगे, फिर उनका अलग निकालोगे, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे, पेपर हो जाएगा ओवर एस्टिमेट। बात समझ में आया? तो इस मेथड से आप कर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका CUT PG का जो पार्ट ए का जो बैच है वो लॉन्च होने वाला है, जो भी अभी ज्वाइन हुआ है यहाँ पे, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि 20 फरवरी यानी कि मंडे से नया बैच लॉन्च हो रहा है CUT PG के लिए। तो अगर आप इनरोल नहीं हुए अभी तक तो आप जाके इनरोल हो जाइए, साथ में ही यहाँ पे इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। IPS 30% ऑफ यहाँ पे मिल रहा है, बस आपको करना क्या है, IPS 30 का जो कोड है इसका यूज़ कर लें, तो आपको जितना भी कोर्स का अमाउंट है 1 month, 3 month और 6 month तो उस पर आपको नेट 30% ऑफ मिल जाए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है सवाल, टेक योर टाइम, समय लीजिए और मुझको बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए क्या कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है ऑन एन एवरेज 300 पीपल वॉच द मूवी इन साहू सिनेमा हॉल ऑन मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे। ठीक है, यानी कि जो एवरेज है, एवरेज अगर देखा जाए तो 300 लोग यहाँ पे मूवी देख रहे हैं साहू सिनेमा हॉल में मंडे को, ट्यूजडे को और वेंसडे को। इन तीनों दिन का जो एवरेज नंबर ऑफ पीपल है वो 300। एंड द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इज 250। यानी कि थर्सडे और फ्राइडे का जो एवरेज नंबर ऑफ विजिटर है उस सिनेमा हॉल में वो 250 है। हमसे कह रहा है इफ द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन द वीक बी 400 और टोटल वीक यानी कि पूरे के पूरे सातों दिन की अगर बात करें तो उनका जो एवरेज है दैट इज 400 विजिटर पर डे, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वॉच द मूवी इन वीकेंड्स यानी कि सैटरडे और संडे की बात। ये बात अगर मैं बात कर रहा हूँ टोटल विजिटर्स की, टोटल एवरेज विजिटर की, वो वहाँ पे दे रखा है मैं 400 और मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे इन दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका एवरेज है 300 और थर्सडे और फ्राइडे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इनका एवरेज हमको दे रखा है 250 और 7 day का, सातों के सातों दिन का, ऑल 7 days का जो एवरेज दे रखा है वो हमको दिया 4 एंड वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ सैटरडे एंड संडे।
यानी कि वीकेंड्स का हमको एवरेज बताना। कैसे करें? देखिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे का अगर मैं बात करूं तो इसका एवरेज 300 है, तो टोटल विजिटर्स कितने हो जाएंगे? अगर एवरेज 3 दिन का 300 है तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर विल बी 300 × 3, यानी कि 300 है एवरेज, और 3 दिन की बात हो रही है, तो दिस विल बी द टोटल। प्लस थर्सडे फ्राइडे का टोटल कितना हो जाएगा? 250 एवरेज है, 2 दिन की बात हो रही है। प्लस हमसे पूछा है सैटरडे संडे का, यू हैव टू फाइंड फॉर सैटरडे एंड संडे, यानी कि 2 दिन की बात कर रहा है, हमसे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज। तो ये एवरेज हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाई, एवरेज को कुछ मान लेता हूँ मैं, क्या एक्स मान लेता हूँ, उसे छोड़िए, एवरेज को मान लेता हूँ एक्स, और 2 दिन की बात हो रही है, ठीक है। लेट्स से द एवरेज इज एक्स, यहाँ पे 2 दिन की बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर हो जाएंगे जो कि वीकेंड्स पे आए। अब टोटल 7 दिन की अगर बात करूँ, ये सब बराबर हो जाएगा, इन दसम 7 दिन के जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर हैं उनके बराबर, लेकिन दैट विल बी 400 × 7। इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए, दिस विल बी 900, दिस विल बी 500, दिस विल बी 2x, दिस विल बी 2800, कितना हो गया 1400। तो इसको आप सॉल्व करिए तो बताइए आंसर कितना आएगा, आपको देख नहीं रहा होगा। तो दिस विल बी 700, यानी कि द एवरेज विल बी 700। बात समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर? क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो ऐसा है। समझ में आ रहा है सब साहिल? ओके गुड, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओ, तो मेरा मानना तो ये, तो जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे अपने कॉन्सेप्ट को, अपने बेसिक्स को क्लियर करने में, बेसिक्स को जानने में, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आइए। क्या कह रहा है? करिए इसको, टेक योर टाइम। सारे के सारे आज मैं एक जैसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, यानी कि ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को करने का तरीका वो क्लियर हो जाएगा। तो मार्क योर आंसर, बोल दे रहा हूँ आपको।
चलिए देखिए, आई होप आपने इसको कर लिया होगा। कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ 50 एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 5 ऑफिसर इन अ कंपनी इज 850 रुपीज। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स इज 2500 एंड फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग स्टाफ ऑफ द कंपनी। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे 50 एम्प्लॉयज हैं किसी कंपनी में जिसमें 5 ऑफिसर भी हैं, तो इनका जो एवरेज सैलरी बनता है दैट इज समवेयर अराउंड 850 रुपीज। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स यानी कि जो 5 ऑफिसर हैं उनका सैलरी हमको दिया गया है एवरेज 2500 एंड वी हैव टू फाइंड द सैलरी ऑफ द रिमेनिंग स्टाफ। तो 50 में से 5 तो ऑफिसर हैं, बाकी बचे 45 वो हमारा स्टाफ होगा। लेट्स से द सैलरी ऑफ द स्टाफ इज एक्स। अगर जो स्टाफ है उसकी सैलरी को अगर मैं एवरेज सैलरी को अगर मैं एक्स रुपीज मान लूँ, तो देखें टोटल सैलरी ऑफ 50 एम्प्लॉइज, 50 लोगों की जो सैलरी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 45 स्टाफ मेंबर की सैलरी। टोटल सैलरी हो जाएगी एवरेज सैलरी 850 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इज 50 into 850। दिस इज द टोटल सैलरी इज इक्वल टू स्टाफ की अगर मैं बात करूँ तो 45 का स्टाफ है और उनकी जो एवरेज सैलरी है दैट इज एक्स, तो 45x हो जाएगी। ऑफिसर की देखें ऑफिसर 5 हैं और हर जो एवरेज सैलरी है उनका वो 2500। इसको इक्वेट करिए, इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा देखें। अगर इसको मैं इधर ले आऊँ, इस वाले टर्म को अगर मैं इधर ले आऊँ, ये कैलकुलेशन तो बहुत सही से करनी पड़ेगी नहीं तो फिर दिक्कत होगी और 45 नीचे हो जाएगा। तो क्या करें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 से किया तो 10 टाइम, 5 से किया तो इस तरह से। और क्या करें, और हम यहाँ पे इक्वेट करिए इसको, तो दिस विल बी 50 इंटू हमारा था 850 और यहाँ पे था 45 इंटू 2, ठीक है। एक सेकेंड रुकी, 850 इंटू 5, ठीक है ठीक है, तो ये डबल जीरो होगा ना, दिस विल बी डबल जीरो राइट। तो यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेट करिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बाकी का बचा आपका टर्म 850 इंटू 10। तो यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, 100 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आएगा 85 माइनस यहाँ पे आएगा 25 अपॉन 9, तो दिस विल बी 100 इंटू 60। तो ये आपकी सैलरी हो जाएगी, तो ये आपकी सैलरी आएगी अबाउट, आप इसको कैंसिल आउट करोगे, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स हो जाएगा, तो दिस विल बी 66.6 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, इतना रुपीज आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये किसके बराबर हो जाएगा, 667। अगर ऑप्शन को देखोगे ना इसका आंसर हो जाएगा 667, तो ये अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी अप्रोक्सीमेटली करके भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई, तो एक बार देख लीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक, बताइए। एक बार इसको देख लीजिए कैलकुलेशन को, इक्वेशन बनाना सीख गए इस तरह से तो आप इजीली इसको कर लीजिए। ठीक है चलिए अगले सवाल पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखें।
क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं इन अ विलेज द एवरेज एज ऑफ एन पीपल इज 40। एक विलेज के अंदर एन नंबर ऑफ पीपल जिनकी एज है 42 ईयर, दिस इज एवरेज एज, राइट। तो एन नंबर ऑफ पीपल की जो एवरेज एज है, एवरेज एज है दैट इज 42 ईयर, 42 ईयर कह रहा है। बट आफ्टर द वेरिफिकेशन इट वॉज फाउंड दैट द एज ऑफ पर्सन हैड बीन कंसीडर्ड 20 ईयर्स लेस देन द एक्चुअल एज। यानी कि क्या हुआ, एक पर्सन जिसकी जो एज है 20 साल कम कंसीडर करी गई थी, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। उस गड़बड़ की वजह से इनका जो एवरेज आया वो 42 ईयर्स था, लेकिन बाद में उस गड़बड़ को यानी कि उस चीज़ को करेक्ट कर लिया गया। तो न्यू एवरेज आफ्टर द करेक्शन इंक्रीज बाई 1, यानी कि जो 20 साल जो कम कर दी गई थी उसकी एज, उसको करेक्ट कर दिया गया। यानी कि वो जो एन नंबर ऑफ पीपल है उनकी जो टोटल एज है उसमें 20 साल और बढ़ गया होगा, क्योंकि उसकी एज को करेक्ट कर दिया। उसकी एज करेक्ट करने की वजह से जो एवरेज है यानी कि विलेज का जो एवरेज एज है वो एक साल से बढ़ गई, यानी कि 42 ईयर थी अब 43 ईयर हुई, 43 ईयर हुई। ऐसा कब हो सकता है, देखो 20 साल यहाँ पे एज है, इस 20 साल को मुझे क्या करना है, जितने भी एन नंबर ऑफ पीपल हैं उसमें इक्वली बांटना है, क्योंकि एवरेज तो यही होता है। एवरेज का मतलब है कोई चीज़ आएगी तो सब में बांटी जाएगी, कोई चीज़ आएगी तो सब में इक्वली बांटी जाएगी। तो एक तरह से 20 साल जो आए यानी कि 20 साल जो एक्स्ट्रा यहाँ पे करेक्ट किए गए वो एन नंबर ऑफ पीपल में इक्वली डिवाइड किए गए होंगे, इसकी वजह से एवरेज एक से बढ़ गया, यानी कि सबको एक एक साल दे दिया गया होगा, सबको 20 साल में से एक एक साल दे दिया गया होगा, इस वजह से एवरेज 42 से 43 बन गया। ऐसा कब हो सकता है, सबको जब एक एक साल मिलेंगे 20 में से तभी तो हो सकता है, यानी कि देयर शुड बी 20 नंबर ऑफ पीपल, वहाँ पे 20 लोग होने चाहिए तभी सबको एक एक साल अलॉट होगा, तभी इनका एवरेज एक से बढ़ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचें इसको, ठीक है। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, बिना इक्वेशन के हम इसका आंसर करेंगे। अगर आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है जिसकी बात मैं करता हूँ हमेशा से, वो अगर आप यहाँ पे थोड़ा यूज करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो उनका एवरेज एक से एक साल से बढ़ गया है, अगर एक साल से एवरेज बढ़ गया है और 20 साल यहाँ पे मेरे पास टोटल एक्स्ट्रा थे, 20 साल को एक एक साल सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो यानी कि देयर मस्ट बी 20 नंबर ऑफ पीपल, 20 नंबर ऑफ पीपल इन दैट। बताइए समझ में आ गई एकदम बात, क्रिस्टल क्लियर हो गई एकदम, छप गई दिमाग में। नेक्स्ट आगे चलिए करिए इसको, टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड और इसका आंसर मुझे फोन में करिए, बोल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। चलिए मार्क योर आंसर।
समझ में आया क्वेश्चन? व्हाट शुड बी द राइट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर टू कह रहे हैं कि 48 हो जाएगा, अभी देख लेते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड द क्लास टीचर इज 16 ईयर, यानी कि जो एवरेज एज है 24 बच्चों की, जिसमें एक क्लास टीचर भी है, 24 स्टूडेंट और एक क्लास टीचर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 25। 25 लोगों का जो एवरेज एज है दैट इज 16 ईयर, दैट इज 16 ईयर। इफ द क्लास टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, यानी कि अगर क्लास टीचर की एज को मैं एक्सक्लूड कर दूं, बाहर निकाल दूं, द एवरेज एज रिड्यूस बाय 1 ईयर, जो उनका जो एवरेज एज है वो एक साल से घट जाता है। तो कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द क्लास टीचर, क्लास टीचर के मुझे एज बता। ये मान लेते हैं 25 लोग हैं, 25% हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं और एक क्लास टीचर। तो एवरेज एज हमको दे रखी है 16 ईयर, तो इसको आप मान के चलो राइट, ये एवरेज की लाइन, दिस इज लाइन फॉर एवरेज, 16 साल एवरेज। अब मैंने क्या किया, इन पर्सन में से 1, 2, 3, 4, 5 जो स्टूडेंट हैं, यहाँ से मैंने क्लास टीचर की एज को बाहर निकाल दिया, क्लास टीचर की एज को मैंने बाहर निकाल दिया, कह रहा है जिसकी वजह से जो एवरेज है एक साल से कम हो गया, यानी कि जो नया एवरेज है दैट इज 50, वो नया एवरेज कितना हो गया 50। इसका मतलब क्लास टीचर की एज को बाहर निकालते ही सबकी एज एक एक साल कम हो गई है, सबकी एज एक एक साल कम हो गई है। अब कितने नंबर ऑफ पीपल है यहाँ पे, 24, क्योंकि क्लास टीचर तो बाहर निकल गया। क्लास टीचर को जैसे ही बाहर निकाला तो ये वाला जो बार है, क्लास टीचर वाला जो बार है, क्योंकि 16 साल वाला जो बार है तो बाहर निकल जाएगा। इस बार को अगर मैं बाहर निकाल दूंगा 16 साल को, बाकी क्या बचा जो एज है, ये वाला रिड्यूस हो गया है, क्योंकि क्लास टीचर की एज को ज़्यादा रही होगी, इसकी वजह से सबके एवरेज एज में फ़र्क पड़ा। तो एक क्लास टीचर की जो 16 एज है, जो एवरेज वाला जो बार है, ये बाहर निकल गया, साथ में हर एक स्टूडेंट की एज में से भी एक एक साल कम है। 24 स्टूडेंट हैं, हर एक की एज में एक एक साल अगर कम हो जाएगा, यानी कि 24 ईयर्स और कम हो जाएंगे, तो क्लास टीचर की एज हो जाएगी यहाँ पे 40। क्लास टीचर की जो एज हो जाएगी दैट विल बी 40 ईयर, 40 साल हो जाएगी। जो मेथड है समझ में आई बात, ऐसे करना है एग्जाम में, ऐसे करना है। यहाँ पे फिर इक्वेशन नहीं बनानी है, डोंट हैव टू मेक इक्वेशन फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि अगर एवरेज एज, इफ द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 16 ईयर, जिसमें क्लास टीचर भी है, तो कह रहा क्लास टीचर की एज को अगर मैंने बाहर निकाल दिया, तो यानी कि ये जो बार है ना एवरेज वाला क्लास टीचर का, ये बाहर चला जाएगा। साथ में सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एवरेज एज है वो एक एक साल से कम हो जाएगी। तो 24 स्टूडेंट हैं, हर एक की एक एक साल से अगर कम हो रही है, तो 24 साल और कम हो जाएंगे, तो ये 24 साल एज इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि 40। एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना? हाँ जी साहिब, तो ये जो तरीका है आप ऐसे करेंगे, ऐसे ही बहुत से और भी मेरे पास ट्रिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो करिए बताइए क्या आंसर होगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा सोचना क्या कहना चाह रहा है, सब चीज़ें क्लियर हो। इलेवन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बारे में बात कर रहा है,
There is a sequence of 11 consecutive odd numbers with the average of the first 7 number is x. शुरू के जो 7 number है उनका जो average है वो हमको x दे रखा है. कह रहा find the average of all the 11 integers. सारे के सारे जो 11 integers हैं उनका average हमको बताइए in terms of x, x के terms. क्या दिमाग में आ रहा है आपके? एक मैं आपको हिंट देता हूँ, जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं या जो नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं उनका जो मीन होता है वो मिड वैल्यू, उनका जो मीन होता है यानी कि एवरेज जो होता है उसका मिड वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू. तो हमको बताना है व्हाट शुड बी द मीन. तो कुछ नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मान लेता हूँ, जैसे कि 1, 2, 3, 4. अभी मैंने एक एग्जांपल से बताया था, इनका जो मीडियन होगा, इनका जो मिड वैल्यू होगा, यानी कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऑब्वियसली इसका जो मिड वैल्यू है वही इसका मीडियन होगा. तो जो मिड वैल्यू होगी वही इसका एवरेज भी बन जाएगा, वही इसका एवरेज होगा, वही इसका मीडियन भी होगा. तो यानी कि यहाँ पे एवरेज हो जाएगा. इसी लॉजिक को लगा के यहाँ पे इसका आंसर करना. अब जरा सुनिए, देयर इज अ कॉन्सिक्यूटिव, there is a sequence of 11 consecutive odd number, ठीक है, 11 number से. If the average of first 7 number, शुरू के जो 7 number है उनका average है x. अगर average x है 7 number का, इसका पिछला term मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्या कह रहा है, consecutive odd numbers. तो आपको पता है ना, consecutive odd numbers कैसे आते हैं, plus 2 करके आते हैं. अगर पहला number odd 1 है, तो next odd number कैसे आएगा, इसमें 2 को plus करके, यानी कि 3. फिर इसमें 2 को प्लस करके यानी कि 5, इस तरह से. और पिछला नंबर निकालना है तो -2 करते हैं. तो अगर एवरेज अगर x है तो अगला नंबर क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, x प्लस 2 होगा कि नहीं, नेक्स्ट टर्म x प्लस 4, नेक्स्ट टर्म x प्लस 6, ऐसा होगा. और पिछले टर्म क्या हो जाएंगे, x माइनस 2, x माइनस 4 एंड x माइनस 6. तब इसका एवरेज आ रहा है x. यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये बात समझ में आ गई, 7 टर्म्स का जो एवरेज है दैट इज x. तो हमको बताना है 11 टर्म्स का एवरेज. तो नेक्स्ट टर्म्स भी निकालिए, 8, 9, 10, 11. इसके आगे बढ़ाऊँ तो दिस विल बी x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 एंड x प्लस 14. ये हो जाएंगे आपके पूरे 11 नंबर्स. इनका एवरेज हमको निकालना है, तो एवरेज नंबर विल बी मिड वैल्यू, जो इसकी जो मिड वैल्यू होगी दैट विल बी द एवरेज. तो बताइए क्या होगी इसकी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू विल बी सिक्स वैल्यू. जो सिक्स टर्म होगा 11 नंबरों का, जो मिड वैल्यू होगी दैट विल बी द सिक्स टर्म, यानी कि x प्लस 4. दिस विल बी द एवरेज ऑफ होल डेटा, यानी कि x प्लस 4, ऑप्शन नंबर. करने का तरीका कैसा है बताइए, करने का तरीका तो बहुत आसान है. अगर एक बार में दिमाग में क्लिक हो जाती है ये बात, तो आप इजीली इसको कर सकते. अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो मैं चाहता हूँ इसको आप खुद करें, इस क्वेश्चन को आप खुद करें, और पोल में आपको दे देता हूँ इसका आंसर, मुझे पोल में करिए.
देखिए, आई होप आपने इसका आंसर किया होगा। क्या रहा आंसर? ऑप्शन नंबर थ्री कहने को उसके। ओके, कह रहा है एवरेज रेनफॉल ओवर अ गिवन प्लेस ड्यूरिंग द थ्री ईयर पीरियड ऑफ 2003 टू 2005 वाज 65 सेंटीमीटर। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का हमको एवरेज रेनफॉल दिया गया है 65 सेंटीमीटर 2003 से लेके 2005, यानी कि 2003, 2004 और 2005 के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है दैट इज 65, राइट। ड्यूरिंग द थ्री इयर्स पीरियड 2002 टू 2004, यानी कि 2002 से लेके 2004 तक, 2002 से लेके 2004 तक, यानी कि इन तीन साल में जो एवरेज है दैट इज 63। और कह रहे एक्चुअल रेनफॉल ड्यूरिंग 2005, 2005 में जो रेनफॉल है वो 60 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड द रेनफॉल इन 2002, 2002 की जो रेनफॉल है वो हमको बताना पड़ेगा। इसको करने के क्या तरीके हैं? या तो मैं 2005 का जो रेनफॉल है यहाँ पे लगा दूँ, कितना दिया गया 60 सेंटीमीटर, ऐसा भी कर सकता हूँ। यहाँ से 2003 और 2004 का जो डेटा है वो यहाँ पे मैं लगा दूंगा, 2002 का रेनफॉल हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा, ऐसा कर सकता हूँ। या मैं क्या करूँ, 2003, 2004, 2005 यहाँ का जो टोटल रेनफॉल है वो मैं निकाल सकता हूँ। अगर एवरेज 65 है तो टोटल रेनफॉल विल बी 65 इंटू 3 195, बताइए। 2002, 2003, 2004 इसका जो टोटल रेनफॉल है दैट विल बी 63 इंटू 3, दैट विल बी 63 इंटू 63 इंटू 3, यानी कि 189। हम यहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए 2003 तो कैंसिल हो जाएगा, 2004 ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा 2005। 2005 का हमको दे रखा है रेनफॉल कितना 60, माइनस 2002 का जो रेनफॉल है लेट्स से इट इज एक्स, 2002 का जो रेनफॉल है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो दिस विल बी 95 माइनस 89, 195 इंटू 89। एक सेकेंड, यहाँ पे दिया गया था हमको 65, ठीक है, दिस विल बी अभी माइनस हो गए, तो यहाँ पे दिस विल बी 60 माइनस एक्स और दिस विल बी समवेयर अराउंड कितना हो जाएगा 6, राइट, दिस विल बी 6। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 माइनस 6 यानी 50। ऐसे इसको करोगे तो बेहतर तरीके से क्वेश्चन समय के अंदर आपका हो जाएगा। समझ में आ गई बात, बताइए। 2003, 4, 5 का जो एवरेज है दैट इज 65, तो हमने टोटल रेनफॉल निकाल लिया तीन साल का, वैसे ही 2002 से लेकर 2004 तक का निकाल लिया टोटल। हमसे कह रहा है 2005 में रेनफॉल इतना है तो बताएं 2002 में कितना होगा। तो हमने क्या करा, इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करा, तो 4, 4, 3, 3, तो इन दोनों साल का तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा 2005, 2002 का। 2005 का तो दिया गया 60, तो यहाँ से हमने 2002 का निकाल लिया यानी कि 54 सेंटीमीटर। सिंपल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज हमारे एवरेज के। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बाकी आप खुद से भी अपनी प्रैक्टिस करिए जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से देखना तो आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, क्वेश्चन आसान आएंगे। सीयूईटी पीजी की अगर बात करें तो आप उसको कर लोगे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करें। तो इसी के साथ इस सेशन को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग द सेशन डेली, यहाँ पे जुड़ जाइए हमारे साथ सीयूईटी के लिए और प्रिपरेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो नया बैच है वो लॉन्च हो चुका है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट पार्ट ए, पार्ट ए के लिए हम सीयूईटी पीजी को जो मंडे को यानी कि 20 फरवरी से एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो और साथ में इस प्रोमो कोड का भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल जाए।
आइए वहीं पे बात करते हैं बाकी की, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।